सो आज की वीडियो उन बच्चों के लिए एक बैंड बूस्टर वीडियो रहेगी जिनका आने वाले कुछ डेज में एग्जाम है। सो आज की वीडियो में मैं आपको सबसे पहले तो एक सैम्पल दिखाऊंगा टास्क बुक का, जिसमें बच्चे बहुत सी गलतियां करते हैं और लगभग 80% बच्चे ऐसे ऐसे लिखते हैं। और दूसरा, मैं आपके सामने, पहले तो क्या होता था, सैंपल लेकर आता था, लेकिन आज मैं आपके सामने लाइव टास्क टू लिखूंगा। आपको पता चलेगा कैसे इंट्रो लिखनी है, कैसे BP1 BP2 और कैसे एंड तक कंक्लूजन लिखना है। और वो जो सैंपल होगा वो 7+ मैन का सैंपल रहेगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक देखते हैं। ये बच्चे क्या करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं। कौन सी मिस्टेक करते हैं सबसे पहले देखिए। सो नाउ अडेज चिल्ड्रन वॉच टू मच टेलीविजन, कह रहा है भी आजकल बच्चे बहुत ज्यादा टेलीविजन देख रहे हैं। वाई इज दिस हैपनिंग एंड वट कैन बी डन टू प्रिवेंट इट। सो सबसे पहले देखा भी ये टॉपिक है बिल्कुल आसान सा, तो ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज किया है भी इसमें मैं आपको सेंटेंस फॉर्मेशन तो एक चीज है, लेकिन इसमें स्ट्रेटजी देखनी है आपने भी कैसे करना है। तो सबसे पहली बात तो मैं पहले बच्चों को क्लियर कर दूं, अगर किसी के माइंड में ये है भी सर इसमें तो वर्ड लिमिट कम रह गई है, ये रह गया वो रह गया, मैं वो चीज़ें नहीं करवाने जा रहा। मैं इसमें आपको तरीका बताने जा रहा हूँ भी सही तरीका क्या है, गलत क्या है और सही तरीका क्या है। सो उस चीज़ पे फोकस करना है आपने, आलतू फालतू की चीज़ें छोड़नी, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए भी क्वेश्चन है कि आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा टीवी देख रहे हैं, व्हाट व्हाई इज दिस हैपनिंग, मतलब रीजंस क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है और क्या सोल्यूशन है, मतलब रीजंस और सोल्यूशन, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन है। एक BP में आप लिखोगे रीजन, दूसरे BP में आप लिखोगे सोल्यूशन, ओके। तो ये आपके आ चुके हैं रीजंस और सोल्यूशन कैसे। और दूसरी चीज़ क्या है, सबसे पहले देखिए भी ये वैसे बच्चे का सैंपल है जिसके बैंड 5.5 रह जाते हैं। अब क्यों रहते हैं, सबसे पहले देखिए इस बच्चे ने क्या किया। सबसे पहले इसने की एज द टेक्नोलॉजी वाइडनिंग इट्स आर्म्स इट आल्सो क्रिएटेड नंबर ऑफ कंटेमिनेशन इन द सोसाइटी। ऐसा लग रहा है भी जैसे लिखने में देखने में तो बड़ी हाई फाई लग रही है, लेकिन इस बच्चे ने सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक अपनी एक जर्नल लाइन ऐड की, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस बच्चे ने एक जर्नल लाइन ऐड की है। उसके बाद इस बच्चे ने की पैराफ्रेजिंग। तो पैराफ्रेजिंग क्या होती है, जो आपकी टॉपिक स्टेटमेंट होती है उसको ही अपनी लैंग्वेज में लिखना, जैसे इन द प्रेजेंट टाइम नाउडेज को लिखा चिल्ड्रन स्पेंड देयर मोस्ट ऑफ टाइम ऑन टेलीविजन, तो इस चीज को उसने पैराफ्रेज कर दिया। अब दूसरी चीज क्या होती है, उसने थीसिस दी। थीसिस क्या दी, देयर आर प्लेथोरा ऑफ रीजंस एंड सॉल्यूशन व्हिच कैन बी डिस्कस्ड इन अपकमिंग पैराग्राफ विद द रेलेवेंट एग्जांपल। और ऐसी थीसिस दी जो कि लगभग 80% बच्चे ऐसा लिखते हैं, और जो एक मेमोराइज्ड थेसिस है। मेमोराइज का थेसिस क्या मतलब है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो थेसिस है ये बच्चे ने मेमोराइज किया है, चाहे कोई भी टॉपिक आ जाए, पॉजिटिव नेगेटिव एडवांटेज डिसएडवांटेज, उसने ऐसे ही लिखना है, देयर आर प्लेथोरा ऑफ एडवांटेज डिसएडवांटेज व्हिच विल बी एक्सप्लेन इन दिस, रीजंस व्हिच विल बी एक्सप्लेन इन दिस, पॉजिटिव पॉइंट व्हिच विल बी एक्सप्लेन इन दिस। मतलब कहने का क्या हुआ, मतलब इस इंट्रो में पहले एक जर्नल लाइन ऐड की, फिर पैराफ्रेजिंग की, फिर मेमोराइज थेसिस ऐड की। तो मैं आपको अभी बता दूं, आपकी जो जर्नल लाइन और ये मेमोराइज थेसिस हैं, इसके आपको मिलने वाले हैं 0 बैंड, 0 बैंड। और ये इंट्रो बिल्कुल गलत है। अगर आपने 7+ जाना है, अगर आपने 5.5-6 तक रहना है तो लिखिए, अगर आपने 7+ जाना है बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, चलिए आपको दिखाते हैं। ये है मेरे पास बैंड डिस्क्रिप्टर, टास्क टू का बैंड डिस्क्रिप्टर। अब इसमें है यहाँ पे टास्क रिस्पॉन्स। अब टास्क रिस्पॉन्स में बिल्कुल नीचे आते हैं, यहाँ पे बैंड्स दिए हुए हैं, 0 बैंड किस बच्चे के आएंगे। इसमें थर्ड चीज, थर्ड लाइन को आप अच्छे से पढ़ लें, राइट ए टोटली मेमोराइज रिस्पॉन्स। जो बच्चा मेमोराइज रिस्पॉन्स लिखता है, रट्टाफिकेशन लगाता है, टेम्पलेट्स यूज करता है, उस बच्चे को टास्क रिस्पॉन्स में 0 बैंड मिलने वाले हैं। मतलब कहने का, टास्क रिस्पॉन्स में इस बच्चे को बैंड 0 मिलेंगे। इसका कोई फायदा नहीं है, चाहे जितनी मर्जी फैंसी वोकैबुलरी इसमें यूज कर ले, ये आपकी जो जनरल लाइन और मेमोराइज थीसिस है इसको 0 बैंड ही मिलेंगे। तो लिखना कैसे है, ये गलत है, तो सही तरीका क्या है आगे आएगा, मैं लिख कर दिखाऊंगा आपको। एक बार सबसे पहले देख लें भी गलतियां क्या है। दूसरी, यहाँ पे फर्स्ट BP बच्चे ने स्टार्ट किया। अब यहाँ पे मैंने 2 BP में से 1 BP आपको बताऊंगा, क्योंकि BP का तरीका तो सेम ही है, तो मैं आपको एक ही बताऊंगा यहाँ पे, दूसरा अपने आप खुद देख लेने। तो यहाँ पे इस बच्चे ने दूसरी फिर गलतियाँ की BP में। सबसे पहले इसने एक अपना कनेक्टर से BP स्टार्ट किया, टू कमेंस टू बिगिन विद, ज़्यादातर बच्चे ऐसे करते हैं। फिर उसने ये लाइन लगाई, देयर आर प्लेंटी ऑफ रीजंस दिस इशू बट द प्री डोमिनेंट वन इज दिस, ओके। तो इस बच्चे ने फिर यहाँ पे एक मेमोराइज चीजें यूज कर रहा है, अगर कोई एडवांटेज आ दे देन फिर उसने ऐसे स्टार्ट करना, देयर आर प्लेंटी ऑफ एडवांटेज सोल्यूशन है, देयर आर प्लेंटी ऑफ सोल्यूशन बट द प्री डोमिनेंट वन इज
बहुत से मैक्सिमम बच्चों ने इस चीज़ को याद किया हुआ है, बीपी को ऐसे ही स्टार्ट करना है। और इन लाइंस का कोई मतलब नहीं है, इन लाइंस का कोई मतलब नहीं है आपके ऐसे से, मतलब किसका है जो यहाँ से आपका आ रहा है, भी मेन चीज़ क्या है ये। उसके बाद सबसे पहले इस चीज़ की गलतियाँ देखो, एक कनेक्टर, सेकंड कनेक्टर, थर्ड, फोर्थ, जब दूसरा आइडिया लिखना हो, मोर ओवर, फर्दर मोर, मतलब एक ही लाइन में आपके 4 से 5 कनेक्टर। सो ये होता है ओवर यूज ऑफ कनेक्टर। तो बैंड डिस्क्रिप्टर ये कहता है भी ओवर यूज मत करो, कनेक्टर्स का वहीं पे यूज करो जहाँ पे जरूरत है। आपको मैं दिखाऊंगा कहाँ पे जरूरत है, क्यों स्टार्टिंग में जरूरत नहीं है, किन किन चीजों में जरूरत है, किस पे नहीं है। तो एक गलती ये है। दूसरी गलती क्या है, यूजिंग फैंसी वोकैबलरी। कई बच्चे क्या करते हैं, बहुत से अल्यूरिंग से वर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है, उस चीज की भी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी चीजें सबसे मेन इंपॉर्टेंट, जो एग्जांपल्स लिखते हैं बहुत से बच्चे, जैसे इस बच्चे ने लिखा है सर्वे ऑफ बीबीसी न्यूज, ऐसे एग्जांपल्स डालते हैं, सर्वे वाले एग्जांपल्स आर टोटली बैंड। मैं अभी कह रहा हूँ आप जनरल एग्जांपल डालें, पर्सनल एग्जांपल डालें, लेकिन सर्वे वाले एग्जांपल मत डालें। क्यों मत डालें, ये क्या है आईडीपी ने बताया, वो डोंट, क्या चीज नहीं करनी है आपने। एक तो ओवर जनरलाइज, जो मैंने अभी बताया, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर देते हैं, जैसे एक्सप्लेनेशन को बहुत लंबा खींच देते हैं, वैसे नहीं करना। मेमोराइज रिस्पॉन्स तो करना ही नहीं, वो आपको बता दिया। और थर्ड चीज़ क्या है, प्रेजेंट एंड रिसेंट रिसर्च के, स्टैटिस्टिक्स के एग्जांपल्स, जैसे परसेंटेज वाले एग्जांपल्स आप मत लिखें, आप नॉर्मल एग्जांपल्स लिखें। कैसे लिखते हैं आगे आपको पता चलेगा। तो इन बच्चों ने मेन गलतियाँ बीपी में ये की हैं, फैंसी वोकैबुलरी कम यूज़ करें, ओवर यूज़ ऑफ कनेक्टर्स मत करें, सर्वे वाले एग्जाम्पल्स मत डालें, इन चीज़ों का आप बीपी में ध्यान रखें। अब दो सेकंड बीबी में सेम चीज़ रहेगी। अब बात करते हैं आपके कंक्लूजन की। कंक्लूजन में मेन चीज़, बच्चे गलतियाँ क्या करते हैं, ऐसे फैंसी से वो कैब के वर्ड्स, टू रिकैप्चुलेट इन ए नटशेल समरी, नहीं, आईडीपी कहता है टू कंक्लूड या फिर इन कंक्लूजन, दो ही वर्ड से आपकी इंट्रो स्टार्ट होगी, सॉरी कंक्लूजन स्टार्ट होगा। उसके बाद जो BP 1 में पॉइंट्स हैं और जो BP 2 में पॉइंट्स हैं, वही यहाँ पे आप डिस्क्राइब कर दें, ज़्यादा एक्सप्लेन, ज़्यादा सलाह देने की जरूरत नहीं है उनको, ठीक है। जो BP 1 BP 2 में पॉइंट्स लिखे हैं, उन्हीं को ही आपको यहाँ पे लिखना है। अब ये तो हो गया, अभी गलतियाँ की हैं। अब ठीक है, गलतियाँ कर दी, तो अब आप पूछोगे भी सर सही तरीका क्या है, तो सही तरीके पे अब आते हैं। सबसे पहले अपन राइट करते हैं इंट्रो, ओके। सो इंट्रो को राइट करता हूँ मैं सबसे पहले। तो इंट्रो में जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी जनरल लाइन नहीं डालनी, पैराफ्रेजिंग तो करनी ही करनी है, थेसिस जो मेमोराइज है वो नहीं डालनी। अब करना क्या है, इंट्रो में जो करेक्ट 7+ बैंड की इंट्रो है, उसमें आपने सिर्फ दो चीज़ें इन्वॉल्व करनी है। एक तो आपने करना है आपकी पैराफ्रेजिंग, डायरेक्ट पैराफ्रेजिंग, सिंपल पैराफ्रेजिंग, बिल्कुल सिंपल पैराफ्रेजिंग, नॉर्मल पैराफ्रेजिंग, विदाउट यूजिंग एनी कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी, प्लस आंसर टू द क्वेश्चन। आंसर टू द क्वेश्चन किस क्वेश्चन का, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर मैं यहीं पे देके जाऊंगा पॉइंट्स में। अब देखिए कैसे, तो सबसे पहले मैंने कहा भी मैं पैराफ्रेजिंग करूंगा बिल्कुल सिंपल। तो मैं ज़्यादातर अपनी इंट्रो स्टार्ट करता हूँ इट से। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे देखा, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ इट कैन बी सीन दैट चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रन को चिल्ड्रन लिख दो। देखो कई बच्चों, बच्चे क्या करते हैं, अभी सिनोनिम के चक्कर में ऐसा गूगल से सर्च मार के वर्ड लिख देते हैं जो उसके साथ अप्रोप्रिएट ही नहीं होता है। तो आप इस चीज़ को कभी मत करें। बहुत से गूगल पे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपकी वोकैबलरी को सूट नहीं करते, जैसे मासिस बहुत बच्चे यूज़ करते हैं, मेरिट्स, डीमेरिट्स, प्रोज एंड कॉन्स, स्पेशली प्रोज एंड कॉन्स तो बिल्कुल ही नहीं करता। तो मासिस वगैरह, प्रोज एंड कॉन्स, ऐसे वर्ड बिल्कुल बैड वोकैबलरी में है। आप IDP की साइट पर जाके देख सकते हैं। सो इट कैन बी सीन दैट चिल्ड्रंस, इट कैन बी सीन दैट चिल्ड्रंस वॉचिंग टेलीविजन, इन एक्सेसिव अमाउंट इन दीज डेज। तो बिल्कुल नॉर्मल सी पैराफ्रेजिंग की। सो इट कैन बी सीन दैट चिल्ड्रन आर, सॉरी, चिल्ड्रन आर वॉचिंग टेलीविजन इन एक्सेसिव अमाउंट इन दीज डेज, बिल्कुल नॉर्मल और सिंपल सी आपकी हो चुकी है यहाँ पे पैराफ्रेजिंग। और दूसरी चीज़ मैंने आपको कहा आंसर टू द क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट
व्हाई इज दिस हैपनिंग, भी रीजंस क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपको पता ही है बहुत से चैनल्स हैं, बहुत से अट्रैक्टिव चैनल्स हैं जो बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं, तो रीजन तो वही है, व्हाई इज दिस हैपनिंग। तो मैं लिखता हूँ दिस इज बिकॉज, तो मैंने लिखा दिस इज बिकॉज ऑफ अट्रैक्टिव कॉन्टेंट शोन बाय वेरियस चैनल्स। एक तो ये इसका रीज़न है भी, बहुत से अट्रैक्टिव चैनल्स हैं जो अट्रैक्टिव कंटेंट डालते हैं और बच्चों को करते हैं अट्रैक्ट। अब इसका सॉल्यूशंस क्या है? सो हाउ एवर, तो लाइन के बीच में जब कनेक्टर लगता है, कनेक्ट उसके आगे और पीछे दोनों तरफ कॉमा लगता है, हाउ एवर इट कैन बी सोल्ड बाय, जैसे उनको कह दो भी हाँ भी लाइक स्पोर्ट्स एक्टिविटी है ना, स्पोर्ट्स एक्टिविटी डेली करनी चाहिए, टेलीविज़न कम देखना चाहिए, उनको उनकी तरफ अट्रैक्ट करना चाहिए, या फिर स्कूल्स में, सो बाय इन्वॉल्विंग फिजिकल स्पोर्ट्स इन देयर डेली रूटीन। सो डैट्स इट। तो ये है आपकी बिल्कुल सिंपल सी प्यारी सी इंट्रो, जिसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आपने एक सिंपल सी पैराफ्रेजिंग की, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने दोनों क्वेश्चंस के आंसर दे दिए। इसमें एक भी लाइन ऐसी नहीं है जैसे जनरल लाइन जो फालतू की लाइन है, एक भी लाइक वर्ड ऐसा नहीं है जो बच्चों को बहुत ज़्यादा लाइक फैंसी लगता हो, जैसा कभी सुना ना हो, बिल्कुल सिंपल वोकैबुलरी। IDP कहती है जितनी इंग्लिश आपको आती है ना, उसी को अच्छे से लाइक डायरेक्ट सीधा पॉइंट पे लिख दोगे, आपके 7+ बैंड आ जाएंगे इसमें, आपके राइटिंग में। तो यही चीज़ हमारे बच्चे करते हैं, और ऑब्वियसली वो हिट भी करते हैं 7 बैंड को। तो फालतू की चीज़ें टेम्पलेट्स के पीछे मत जाएं। अब बात करते हैं आपके BP नंबर सेकंड की। तो जैसे कि इस बच्चे ने, अब आपके सामने कंपेरिजन है, इसके आपको 5.5 बैंड मिलने वाले हैं, तो इस टाइप के इंट्रो के आपको 7+ बैंड मिलने वाले। तो अब बात करते हैं आपके BP नंबर फर्स्ट की। तो जैसे कि इस बच्चे ने BP नंबर फर्स्ट को स्टार्ट किया था किसी कनेक्टर के साथ, तो मैं उस चीज़ को सही नहीं मानता। हर एक बंदे का, हर एक बच्चे का, हर एक लाइक टीचर का अपना नज़रिया है। तो मेरे नज़रिए से मेरा एक्सपीरियंस बोलता है भी नहीं, वो चीज़ सही नहीं है, उस चीज़ के अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो उस चीज़ को नहीं करना चाहिए। तो अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट भी आपकी सेकंड, जो आपका BP नंबर फर्स्ट। तो मैं सीधा डायरेक्ट पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ, देर आर मैनी रीजंस, ऐसे नहीं सीधा डायरेक्ट पॉइंट्स से। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, द मेन रीज़न ऑफ वॉचिंग सो मच टेलीविज़न by kids is, तो ये मेन रीज़न अब मैं लिखने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये नहीं लिख रहा, बहुत से हैं लेकिन मेन है तो मैं सीधा लिख रहा हूँ, द मेन रीज़न ऑफ वॉचिंग सो मच टेलीविज़न by kids is entertaining content, entertaining content telecasts by number of channels। तो जैसा कि मैंने ऊपर लिखा कि सबसे ज़्यादा क्या था, अट्रैक्टिव कंटेंट था जो वो बच्चों को दिखाकर एल्यूर कर रहे थे, तो उसी चीज़ की थोड़ी सी पैराफ्रेजिंग कर दी, थोड़ा सा उसको घुमा के लिख दिया अभी, एंटरटेनिंग कंटेंट टेलीकास्ट बाय नंबर ऑफ चैनल्स। ठीक है, अब इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगा भी कैसे इतने कंटेंट शो करने से क्यों बच्चे ज़्यादा TV देखते हैं, और क्या इसका क्या इफ़ेक्ट क्या होता है। तो देखो यहाँ पे मैंने पहले कोई कनेक्टर यूज़ नहीं किया, यहाँ पे भी मैं कोई कनेक्टर यूज़ नहीं कर रहा, सो मैं इस चीज़ को अब समझा रहा हूँ। दिस मीन्स डैट, तो मैंने कहा इसका मतलब ये है, दिस मीन्स डैट, राइटिंग थोड़ी सी मेरी ख़राब है। तो देखो जब लाइव लिखते हैं तो थोड़ी बहुत गलती ऊपर नीचे हो जाती है, कई बच्चे बहुत से ऐसे कमेंट करते हैं, ये क्या सर आपको खुद को तो आती नहीं है, दूसरों को लग गए। देखो मेरा काम है समझाना, आपको सही डायरेक्शन देना, गाइडेंस देना, जो टेम्पलेट्स की दुनिया से बाहर निकाल कर करेक्ट चीज़ देना,
तो एक आधी गलती से ये नहीं होता भी सारा कुछ ही खराब हो गया। ठीक है, अगर गलती होगी आप मत करना, बस इतनी सी बात है। दिस मीन्स डैट चिल्ड्रन हैव नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हैव नंबर ऑफ ऑप्शंस। क्या होता है भी, आपको पता भी, चिल्ड्रंस के पास बहुत से ऑप्शंस होते हैं, कितने चैनल्स चलते हैं, कितने चैनल्स चलते हैं जो उनको हिलने ही नहीं देते वहाँ से। तो ये ज़्यादा, जितने ज़्यादा चैनल्स उतना ज़्यादा बच्चा टीवी देखेगा। एक को उसका पसंद नहीं आया दूसरा लगा लेगा, दूसरा नहीं आया तीसरा लगा लेगा, तो वो उठने ही नहीं देते, तो ऑटोमेटिक ही वो एक्सेसिव अमाउंट में देखना शुरू कर देते हैं। सो चिल्ड्रंस हैव नंबर ऑफ ऑप्शंस ऑप्शंस टू एंटरटेन देयर सेल्फ, टू एंटरटेन देयर सेल्फ बाय वॉचिंग वेरियस कलरफुल एंड अट्रैक्टिव एनिमेशंस, अट्रैक्टिव एनिमेशंस विच डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन देयर माइंड एंड ट्राई टू ग्लू देम एज मोर एज पॉसिबल। तो मैंने इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अभी इतने ज़्यादा चैनल्स हैं जिसमें इतने कलरफुल अट्रैक्टिव से कंटेंट वो शो करते हैं, भी वो बच्चा क्या होता है भी लाइक उठने का नाम ही नहीं लेता। तो वो और जो कंटेंट ही ऐसा डालते हैं वो सीधा उनके माइंड पे डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, और वो इतना ट्राई करते हैं भी बच्चा यहाँ से उठे ना, उसको ग्लू, ठीक है, ट्राई टू ग्लू देम एज मोर एज पॉसिबल। तो जितना ज़्यादा अच्छा कंटेंट डालेंगे, जितना कलरफुल, जितना एनिमेटेड, जितना एक्साइटेड सा कंटेंट डालेंगे, उतना बच्चा वहाँ पे चिपक कर बैठेगा। तो इस चीज़ को मैंने अच्छे से नॉर्मल सी वोकैबुलरी के साथ कर दिया एक्सप्लेन। ठीक है, अब बिना कोई आपका सर्वे वाला एग्जाम्पल डाले यहाँ पे इसका जो एग्जाम्पल है वो भी लिखेंगे। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट कनेक्टर आ रहा है, तो फॉर एग्जाम्पल्स जैसे अब बहुत से चैनल्स हैं, जैसे कार्टून नेटवर्क एंड डिज्नी चैनल ठीक है, ब्रॉडकास्ट ऑल डे लॉन्ग सीरीज ऑफ कार्टून शोज, सीरीज ऑफ कार्टून शोज, तो वो उनको उठने नहीं दे रहे, इतने इतने सीरीजें शुरू कर रहे हैं लाइक नंबर ऑफ एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो उनको ऑटोमेटिक ही वो वहाँ से कैसे उठेंगे बच्चे। तो पूरा रेलेवेंट सा एग्जाम्पल्स डाल दिया। एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल में एक नेम होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने नेम कार्टून नेटवर्क और डिज्नी डाला एग्जाम्पल का, तो यही मतलब है ना, भी नेम हो जिस चीज़ से आपको पता चले। तो इस चीज़ को मैंने यहाँ से डाल दिया, अभी ऑल द डे लॉन्ग सीरीज से शुरू कर रहे हैं तो बच्चा उठेगा कैसे। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, तो यहाँ पे मेरा दूसरा कनेक्टर आ गया। तो एज ए रिजल्ट, सो एज ए रिजल्ट किड्स प्रेफर टू स्पेंड किड्स प्रेफर टू स्पेंड इवन देयर फ्री टाइम, मान लीजिए अगर जितना भी फ्री टाइम है इनके पास, स्टडी के पास जितना भी फ्री टाइम, तो वो प्रेफर क्या करते हैं, इन कार्टून्स को ही देखें, टाइम्स ऑन टेलीविजन। तो वो यही प्रेफर करते हैं कि वो जितना भी टाइम है अपना वो इन टेलीविजन शोज पे ही डिपेंड सॉरी स्पेंड करें। तो ये होता है एक अच्छा सा बीबी जिसमें कोई ऐसी वोकेबलरी नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं है, कोई डाटा बेस्ड आपका एग्जाम्पल नहीं है, बिल्कुल सिंपल जो हर एक बच्चा लिख सकता है। इसे कहते हैं इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू अंडरस्टैंड, और यही चीज़ आईडीपी बोलती है। तो ये इन चीज़ों के बारे में ही मैं अपनी ऑनलाइन क्लास में
बच्चों को करवाता हूँ। जो बैच मेरा स्टार्ट हो चुका है, लाइक 15 डेज का मेरा बैच एक स्टार्ट हो चुका है, जिसमें दो क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें कंप्लीट टास्क वन हर एक टाइप का मैं खुद लिखूंगा, लिख कर आपको बताऊंगा। कंप्लीट टास्क टू हर एक टाइप का, दोनों टाइप के टास्क 15 डेज में कंप्लीट करूंगा मैं, ठीक है। और हर एक टाइप के साथ आपको लाइक IDP के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो ट्रू इंस्ट्रक्शंस हैं, वो बताऊंगा आपको भी क्या बोलती है, क्या स्टूडेंट्स की गलतियां हैं। इन 15 डेज में आपके 2 से 3 मॉक टेस्ट रहेंगे, आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, स्पेशल नोट्स होते हैं जो IDP के, सैम्पल्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे 9 बैंड्स के, जो जेन्युइनली IDP कहती है भी ये जेन्युइनली 9 बैंड के हैं, ठीक है। और हर एक डे का आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, इन द केस किसी भी बच्चे की कोई क्लास मिस होती है तो वो लाइक रिकॉर्डेड लेक्चर में देख सकता है, ठीक है। अब ये सिर्फ क्लास अभी मैंने एकेडमी के लिए ज्वाइन स्टार्ट करवाई है, ठीक है। अगर कोई GT वाला बच्चा है तो वो टास्क टू के लिए ज्वाइन कर सकता है, टास्क वन के उनको नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। अब जो बच्चे कहते हैं अभी भी उन्होंने ज्वाइन करना है, देखो 2 क्लासेस हो चुकी हैं, दोनों के आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। आप आगे वाली जो आपकी 13 से 14 क्लासेस पेंडिंग है उसमें आप अपना ज्वाइन कर सकते हो। इन 15 डेज की फीस मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ, 1500 रहेगी, ओके 1500। और जिस भी बच्चे को ज्वाइन करना हो 8168321916 और 9467488225, इन दोनों नंबर पे आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप पे लिखना है ऑनलाइन राइटिंग क्लास, शाम की क्लासेज है 7 to 7:50, ओके। तो इतना मैं आपको गारंटी देता हूँ, जिस बच्चे ने ये क्लासेस ज्वाइन कर ली ना, उनको इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइटिंग के लिए एवरीथिंग एवरीथिंग क्लियर करवा दूंगा, पीछे वाले बच्चों के फीडबैक्स भी आपको दे दूंगा जिन्होंने ज्वाइन की थी, ओके। तो नाउ गेट इन टू आवर टॉपिक। आपका BP नंबर फर्स्ट ऐसे, अब BP नंबर टू की करते हैं बात। तो BP नंबर टू में क्या था, देखो BP नंबर टू में लिखना है आपने सॉल्यूशंस, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वर्ड लिमिट को अभी नहीं देख रहा, मैं सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई मुझे ये कहे भी सर आपने वर्ड लिमिट तो पूरी की नहीं है, तो आप खुद कर ले, आप सेम तरीके के साथ एक और आइडिया डाल ले और अपनी वर्ड लिमिट कंप्लीट करें, नो इशू। तो यहाँ पे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि गलतियाँ क्या करते हैं और लिखने का तरीका क्या है। तो सेकंड चीज़ क्या है, अभी क्या करें, अब बच्चे उनको जो इतना TV देखते हैं उनको कम कैसे करें, जैसा कि मैंने इंट्रो में डाला था भी, उनको क्या करना चाहिए, उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ की ओर एनक्रेज करना चाहिए। तो इस चीज़ को अब सॉल्व आउट करेंगे, सॉरी लाइक एक्सप्लेन करेंगे कैसे, तो इससे क्या होगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं स्टार्ट बिल्कुल पॉइंट से डायरेक्ट ही करता हूँ, जैसे पहले किया था अब भी मैं वैसे ही कर रहा हूँ। सो मैं लिख रहा हूँ एनकरेजिंग 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 यंगस्टर्स टुवार्ड्स टुवार्ड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एक्टिविटीज एनकरेजिंग यंगस्टर टुवार्ड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कैन बी प्रूव्ड इफेक्टिव वे टू सोल्व दिस प्रॉब्लम। तो आप ऐसे भी किसी BP को स्टार्ट कर सकते हो, अपना पॉइंट लिखो स्टार्टिंग में और बाद में लिख दो कोई भी चीज़ है, जैसे सोल्यूशन सा कैन बी प्रूव्ड इफेक्टिव, अगर रीज़न होता है इफेक्टिव रीज़न, अगर कोई एडवांटेज है इफेक्टिव एडवांटेज, तो ऐसे आप लिख सकते हो। तो मैंने लिखा एनकरेजिंग यंगस्टर्स टुवर्ड्स स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कैन बी प्रूव इफेक्टिव वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो मैंने अच्छे से पहली लाइन में पॉइंट बता दिया, स्पोर्ट्स एक्टिविटी ही है इसका सोल्यूशन, तो जैसा कि पहले था। अब मैं सेकेंड, अब फिर इसको एक्सप्लेन करूँगा, तो इसको मैं दिस इज़ बिकॉज, तो ऐसे मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ दिस इज़ बिकॉज। तो यहाँ पे मैं आपको एक सेंटेंस लिखना सिखाता हूँ जिसे बोलते हैं कंडीशनल। तो जब कंडीशन लगती है तो अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो तो ऐसा होगा। तो अगर क्या होता है इफ, मतलब कंडीशनल सेंटेंस इफ से स्टार्ट होता है। तो दिस इज बिकॉज, तो मैं यहाँ पे इफ लगा रहा हूँ, इफ पेरेंट्स स्पेंड प्लेंटी ऑफ देयर ओन टाइम प्लेंटी ऑफ देयर ओन टाइम विद चिल्ड्रन चिल्ड्रन इन द प्ले ग्राउंड, अगर पेरेंट्स खुद अपना टाइम निकाल कर बच्चों के साथ प्ले ग्राउंड जाए, देन अगर हो देन क्या होगा, देन इट कैन
ऑल्सो रेज, देन इट कैन ऑल्सो रेज देअर इंटरेस्ट। तो ये चीज उनका भी इंटरेस्ट पैदा करेगी, किसमें? इन द स्पोर्ट्स या फिर इन द फिजिकल एक्सरसाइज, इन द फिजिकल एक्टिविटीज। ओके, तो ये चीज अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। तो अब एनक्रीज कौन करेगा? पेरेंट्स करेगा। तो उससे क्या होगा? उनका इंटरेस्ट पैदा होगा, तो ऑटोमेटिक ही जो उनकी एक्सेसिव अमाउंट में टीवी देखने की हैबिट है वो कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे अब लाइक एग्जांपल्स दे सकते हो आप। फॉर एग्जांपल्स, अब पेरेंट्स की बात हो रही है और स्पोर्ट्स की बात हो रही है, तो वैसा ही कोई एग्जांपल आप दे सकते हो। बी लाइक किड्स ऑफ मोस्ट ऑफ स्पोर्ट्समैन, जो ज़्यादातर स्पोर्ट्समैन के किड्स हैं, ऑल्सो लव टू प्ले गेम्स। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके पेरेंट्स जो स्पोर्ट्समैन है वो तो ऑब्वियस है, वे प्ले ग्राउंड में जाएंगे जाएंगे, तो उनके साथ उनके बच्चे भी जाते हैं, तो उनका गेम इंटरेस्ट ऑटोमेटिक पैदा होता है। तो ये सारी चीज़ें पेरेंट्स पे डिपेंड है। वैसा ही सिंपल सा एग्जाम्पल लिख दिया। सो इसका रिजल्ट क्या होगा? देयरफॉर इट विल डेफिनेटली हेल्प टू डेवलप देयर ओवरऑल ग्रोथ। तो इससे क्या होगी? बच्चे की प्रॉपर ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प मिलेगी। सिर्फ उनको टीवी की आदत ही कम नहीं होगी, बल्कि उनकी प्रॉपर जो उनकी ग्रोथ है वो भी इम्प्रूव होगी। तो ये होता है एक अच्छा बीपी, BP1 BP2। अगर इसमें भी कई बच्चे मेरे को कमेंट कर देते हैं, सर इसकी लेंथ छोटी है। यार अगर लेंथ छोटी है, अपना आइडिया और लिखो और सेम वे के साथ नेक्स्ट कर लो। ठीक है, अपने आप लेंथ को इंक्रीज करो। मैंने आपको तरीका बता दिया, अभी ऐसे लिखते हैं एक प्रॉपर बीपी। ठीक है, अगर लग रहा है तो दूसरा यहाँ पे पॉइंट लिखो, मोर ओवर डालो, पॉइंट लिखो और उसका रिजल्ट लिख के यहीं पे ही दो लाइंस में इसको खत्म कर दो। अब दोबारा से प्रॉपर एग्जाम्पल एग्जाम्पल सबका देने लगे, बहुत बड़ा बन जाएगा। अगर सेकंड पॉइंट डालना है, जस्ट पॉइंट लिखो और उसका रिजल्ट डालो, आपकी 2 से 3 लाइंस बढ़ जाएंगी और प्रॉपर लेंथ पूरी हो जाएगी। डेट्स इट। ठीक है, अब कंक्लूजन में जैसा कि मैंने आपको बताया, सिर्फ टू कंक्लूड या फिर इन कंक्लूजन, इन दो वर्ड से ही आप बीपी स्टार्ट करोगे। और ज़्यादातर इसमें मैं वही लिखता हूँ जो ऊपर लिखा होता है, लाइक आपका जो BP1 और BP2 में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं डालता हूँ, जो BP1 में लिखा था, BP1 में वही था भी, अट्रैक्टिव कंटेंट जो टीवी देखते हैं और उनका जो इंटरेस्ट उधर चला जाता है। दूसरी चीज़ को यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ मैं, ऑल्दो यंगस्टर्स इन्फ्लुएंस यंगस्टर इन्फ्लुएंस थ्रू वेरियस अट्रैक्टिव चैनल्स, वही चीज़ जो पहले बीपी में लिखी थी, अट्रैक्टिव कंटेंट लिख देते हैं, ऑन टीवी एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन इट, स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन इट। हाउएवर वी कैन सॉल्व दिस इशू बाय मोटिवेटिंग दैम टुवर्ड्स आउटडोर गेम्स। डेट्स इट। तो जो फर्स्ट बीपी और सेकेंड बीपी में लिखा था, ये है आपका प्रॉपर 7+ मैन का प्रॉपर सैंपल बाय IDP। ठीक है, अगर ऐसे लिखोगे तो ऑब्वियसली बैंड आएंगे ही आएंगे। अब फिर इन द लास्ट, अगर किसी बच्चे ने ज्वाइन करनी है क्लास, तो 8168321916946744888225, इन दोनों में से किसी भी नंबर पे ऑनलाइन राइटिंग क्लास लिख देना। 2 बैचेस उसके हो चुके हैं, 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, उनके रिकॉर्डेड सेक्शंस आपको मिल जाएंगे। आगे आप 15 डेज का जो बैच है कंटिन्यू कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।